तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वॉवल्स। ओके बच्चों, क्या करेंगे? वॉवल्स। इंग्लिश ए अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 26 लेटर्स। द लेटर आर ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वोवल्स। ओके, वोवल्स। इंग्लिश ए अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। ओके बच्चों, इंग्लिश में हमारे जो अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं। ओके, द लेटर आर ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वोवल्स। जो बच्चों हमारे ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं। ओके, बाकी सब लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बाकी सब लेटर? कॉन्सोनेंट, यस। वोवल, वोवल में हम किस चीज का यूज करते हैं? ए एंड एन का। किसका यूज करते हैं? ए एंड एन का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों वोवल्स। ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। बाकी ऑल सभी लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। वी यूज ए विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, क्या बच्चों? ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ओके, वी यूज ए विद वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए काओ, सी ओ डब्ल्यू, काओ कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है ना, काओ। ओके, तो क्या आ जाएगा? ए। क्या लगेगा? ए। ओके बच्चों, क्या बोला? ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वी यूज ए विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। इनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है स्टार्टिंग में, तो क्या यूज होता है बच्चे? ए। ओके, क्या यूज होता है? ए। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, स्वर और व्यंजन। वोवल्स क्या होते हैं? स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके बच्चों, अब हम वोवल्स में किस चीज का यूज करते हैं? ए और एन का। ए और एन का। अब ए कहाँ यूज होता है? जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है स्टार्टिंग में। किसकी साउंड आती है? कॉन्सोनेंट की साउंड आती है स्टार्टिंग में, तो किस चीज का यूज होगा? ए का। ओके बच्चों, यस, गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों वोवल्स। एंड एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। ओके बच्चों, एंड एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। ओके, एन का यूज कहाँ होता है बताओ बच्चों? एन का यूज कहाँ होता है? जहाँ वोवल्स की साउंड स्टार्टिंग में आती है, जैसे एन एप्पल, एन आउल। ओके, अब देखो, एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए हमारा वोवल है ना, ए ई आई ओ यू। ओके बच्चों, क्या है ये हमारे वोवल्स। अब स्टार्टिंग में ओरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ओरेंज। ओरेंज कैसे स्टार्ट हुआ? ओ से। तो किसकी वोवल की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा? एन। जहां वोवल की स्टार्टिंग में वोवल्स की साउंड आए वहां क्या लगेगा? एन। और जहां कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहां क्या लगेगा बच्चों? ए। फॉर एग्जाम्पल, ए बस,
एक काउ, और एन कहाँ लगेगा? जहाँ वोवल्स की साउंड आ रही हो, जहाँ ए की साउंड आ रही हो, ई की साउंड आ रही हो, आई की साउंड आ रही हो, ओ की साउंड आ रही हो, यू की साउंड आ रही हो। ओके बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, चलो मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल ए काउ, तो ए काउ का यूज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सी ओ डब्ल्यू काउ कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है ना, सी ओ डब्ल्यू काउ। ओके नेक्स्ट है बच्चों ए बस, बी यू एस बस, तो किस चीज की साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट की, वोवल की साउंड तो नहीं आ रही ना, ना ए है, ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है, तो बी है, बी कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा? ए। नेक्स्ट है बच्चों ए रोज, आर ओ एस ई, तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा? ए, है ना बच्चों? ए रोज। नेक्स्ट है बच्चों ए लैम्प, एल ए एम पी लैम्प, लैम्प क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा? ए। जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ क्या लगता है? ए। मैंने आपको बताया ना, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आए वहाँ ए लगता है, जहाँ वोवल की साउंड आए वहाँ एन लगता है। चलो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एन आउल, ए एन एन ओ डब्ल्यू एल आउल, इसकी आवाज आ रही है ना? यस, वोवल की आवाज आ रही है, तो क्या लगेगा? एन। ओके एन आउल। ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों एन अम्ब्रेला, वोवल की साउंड आ रही है ना, यू। ओके क्या आया? यू, तो वो यू क्या है हमारा? वोवल्स है, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, तो क्या आ जाएगा? एन अम्ब्रेला। ओके नेक्स्ट है बच्चों एन ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, तो क्या आया बच्चों? वोवल्स की साउंड ओ, तो क्या आ जाएगा? एन ऑरेंज। एन आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि वोवल की साउंड आ रही है, एन ऑरेंज। ओके बच्चों, जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ क्या लगता है? ए। जहाँ वोवल्स की साउंड आती है, ए ई आई ओ यू की साउंड आती है, वहाँ क्या लगता है? एन। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए आ गया ना, तो क्या लगेगा? एन एप्पल। ओके ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है वहाँ क्या लगेगा? ए। जहाँ वोवल्स की साउंड आ रही है वहाँ क्या लगेगा? एन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, चैनल को याप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल